बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपना बहुत ज़ाहिया रख रहे होंगे। तो कल हमने जो की थी इसकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग आपको दी थी और मैंने ये बोली एक्सरसाइज, तो आपने कर ली इसको, तो आई होप कि आपने लर्न भी कर ली होगा। नाउ प्लीज़ ओपन योर नोटबुक्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर क्वेश्चन नंबर 4 जो है आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपका 5 नीचे क्वेश्चन आंसर हैं, हमने इनको अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। फर्स्टली ड्रॉ योर मार्जिन लाइन, राइट डेट एंड डे एंड राइट टॉपिक एज वेल। योर टॉपिक इज, ये देखें, लिविंग थिंग्स। तो ऐसे अपनी नोटबुक प्रिपेयर करें अपनी, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, लाइक दिस। राइट डेट, डेट 16 जून 20, एच डब्ल्यू इन मिडल ऑफ पेज एंड में आपका डे आएगा जो है हमारा आज ट्यूसडे। डन। नाउ राइट टॉपिक, TOPIC टॉपिक। टॉपिक इज लिविंग थिंग्स, LIVING लिविंग, THINGS लिविंग थिंग्स। अब क्वेश्चन आंसर, ठीक है, यहाँ से आप क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट कर देंगे और नीचे आप इसके क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, क्लियर। ऐसे आपने क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट किया तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा ये पेज नंबर 7 से आपने लिखना है, व्हाई डू लिविंग थिंग्स नीड फूड। हमने पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स को क्यों नीड होती है फूड के लिए, तो क्या था, टू ग्रो। आपने यहाँ से क्वेश्चन लेना है, डू के बाद एल आप कैपिटल कर लेंगे, लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो। जैसे आपने क्या लगाना है, TOGROW ग्रो। अगर आपको यहाँ से एंड में फुल स्टॉप, अगर यहाँ से आपको क्लियर नहीं है तो आप प्लीज़ पीछे पेज नंबर 3 पे आ जाएं, यहाँ पे लिखा है ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो। जस्ट आपने क्या लगाना है, टू ग्रो लगाना है, लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो। डन। बी है, हाउ डू प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। हमने क्या पढ़ा था, प्लांट्स कैसे अपना फूड बनाते हैं, यस इन सनलाइट। हम क्या करेंगे, पी कैपिटल कर लेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन सनलाइट, SUN सन, LIGHT इन सनलाइट। अगर मेरी स्पेलिंग क्लियर नहीं है तो आप ये पीछे देख लें, पेज नंबर 4 पे जहाँ ये प्लांट की पिक्चर बनी हुई है इसके नीचे आपके पास लिखा हुआ है, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इन सनलाइट, ठीक है, यहाँ से आप स्पेलिंग लिख लें। तो आपने क्या करना है, जो बी वाला आपका क्वेश्चन है, आपने जस्ट हाउ डू रियर्स करके प्लांट्स से स्टार्ट करना है, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन सनलाइट। डन। नाउ राइट ए क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका सी, हाउ डज अ कैटरपिलर ब्रीथ। जो कैटरपिलर होती है वो कैसे ब्रीथ करती है, हाँ जी, उन्होंने बताया तो उसके स्मॉल होल्स होते हैं उसकी बॉडी के साइड पे, तो हम लिखेंगे अ कैटरपिलर ब्रीथ नीचे मैं लिख देती हूँ, थ्रू THROUGH थ्रू इट्स, ये पीछे है भी है, आप ये देखें, ये पीछे 5 पेज नंबर पे है, थ्रू स्मॉल होल्स ऑन साइड ऑफ इट्स बॉडी, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, थ्रू स्मॉल होल्स थ्रू स्मॉल होल्स ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी, थ्रू स्मॉल होल्स ऑन साइड ऑफ इट्स बॉडी, ठीक है, आ कैट एक भी कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। सी वाला आ कैटरपिलर ब्रीथ्स, डज है तो हम ब्रीथ के साथ एस लगा लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में डज है तो वो जो है आपका ब्रीथ इसमें हम लगा लेंगे, एस लगा लेंगे, आ कैटरपिलर ब्रीथ्स थ्रू स्मॉल होल्स ऑन साइड ऑफ इट्स बॉडी। डन। गुड। डी में हाउ डज अ फिश स्विम इन वाटर, फिश कैसे स्विम करती है, यस जो उसके साइड पे आते हैं फिन्स उनके थ्रू करती है, तो पीछे देख लें यहाँ पे है कि हाउ डज, ये देखें पेज नंबर 5 पे है, लिविंग थिंग्स कैन मूव, इसकी जो फर्स्ट लाइन है, अ फिश स्विम्स इन वाटर यूजिंग इट्स टेल्स एंड फिन्स। डन। पूरी लाइन आप यहाँ से देख के लिख लेंगे, जो आपका क्वेश्चन डी है उसमें आप क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे आप, अ फिश स्विम्स इन वाटर यूजिंग इट्स टेल्स एंड फिन्स, वो ऐसे स्विम करती है। लास्ट वन इज ई, हाउ डज अ प्लांट मेक सीड्स, जो प्लांट है वो सीड्स कैसे बनाता है, वो बीज कैसे बनाता है, तो यस वो उसके फ्लावर के अंदर बीज बनते हैं। ये देखें, ये जो पेज नंबर 6 है इसका जो लास्ट पैराग्राफ है प्लांट के साथ लिखा है,
अ प्लांट हैज फ्लावर्स विच मेक सीड्स, ये पूरी लाइन एज इट आपने लिख लेनी है, तो क्या बन जाएगा आपका आंसर ई, अ प्लांट हैज फ्लावर्स विच मेक सीड्स, यही आपके क्वेश्चन आंसर है जो आपने रिटन फॉर्म में मुझे देने हैं और आपने इनको लर्न भी करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।